नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएससी एजुकेशन। जेएससी एजुकेशन सभी वीडियो को देखने के लिए आप ब्राउज़र में टाइप करें youtube.com/jscEducation। जेएससी एजुकेशन के आज के इस वीडियो में आपको 7 अक्टूबर 2018 से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स के बारे में बताया जाएगा। इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें तथा बगल में बने बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सकें। अगर आप इस करंट अफेयर्स की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन की पहली सभा का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन की पहली सभा का आयोजन किस शहर में किया गया? पहला विकल्प नई दिल्ली, दूसरा विकल्प मुंबई, तीसरा विकल्प लखनऊ, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन की पहली सभा का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इस क्वेश्चन का विकल्प ए सही है। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में चौथे अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आरंभ कहाँ हुआ है? पहला विकल्प मुंबई, दूसरा विकल्प लखनऊ, तीसरा विकल्प नई दिल्ली, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। हाल ही में चौथे अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आरंभ लखनऊ में हुआ है। इस क्वेश्चन का विकल्प भी सही है। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन किस शहर में संपन्न हुआ है? पहला विकल्प मुंबई, दूसरा विकल्प लखनऊ, तीसरा विकल्प नई दिल्ली, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। इस क्वेश्चन का विकल्प सी सही है। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में सरकार द्वारा यात्री के चेहरे और बायोमेट्रिक्स से एयरपोर्ट पर एंट्री करने की सुविधा जारी की गई है, इस सुविधा का क्या नाम है? पहला विकल्प डीजी यात्रा, दूसरा विकल्प स्विफ्ट यात्रा, तीसरा विकल्प इजी यात्रा, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो सरकार द्वारा यात्री के चेहरे और बायोमेट्रिक्स से एयरपोर्ट पर एंट्री करने की सुविधा को डीजी यात्रा नाम दिया गया है। इस क्वेश्चन का विकल्प ए सही है। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मूल की किस अधिकारी को ट्रंप प्रशासन के द्वारा अमेरिकी परमाण विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया है? पहला विकल्प आरती मुखर्जी, दूसरा विकल्प दीपा बनरवाल, तीसरा विकल्प अपराजिता दास, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय मूल की रीता बनरवाल को ट्रंप प्रशासन के द्वारा अमेरिका की परमाणु विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का विकल्प भी सही है। छठा क्वेश्चन, हाल ही में भारत और रूस के बीच कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? पहला विकल्प 8, दूसरा विकल्प 10, तीसरा विकल्प 15, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो भारत और रूस के बीच 8 समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये समझौते हैं, पहला समझौता है परामर्श प्रोटोकॉल पर, दूसरा समझौता नीति आयोग एवं रूस के आर्थिक सहयोग मंत्रालय के बीच, तीसरा समझौता है अंतरिक्ष के क्षेत्र में, चौथा समझौता है रेलवे क्षेत्र में सहयोग, पांचवा समझौता है परमाणु क्षेत्र में, छठवां समझौता है परिवहन शिक्षा में, सातवां समझौता है लघु उद्योगों के क्षेत्र में, आठवां समझौता है खाद्य के क्षेत्र में। इस क्वेश्चन का विकल्प सही है। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला विकल्प मदन भीमराव, दूसरा विकल्प एन खानविलकर, तीसरा विकल्प अनिल शेखरन, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मदन भीमराव को नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का विकल्प ए सही है। आठवां क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने सैन्य सहयोग विशेषकर रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं? पहला विकल्प नेपाल, दूसरा विकल्प चीन, तीसरा विकल्प कजाकिस्तान, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। भारत और कजाकिस्तान सैन्य सहयोग विशेषकर रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। इस क्वेश्चन का विकल्प सी सही है। नौवां क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ S-400 मिसाइल एयर डिफेंस की डील की है? पहला विकल्प अमेरिका, दूसरा विकल्प रूस, तीसरा विकल्प चीन, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। हाल ही में भारत रूस के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस की डील की है। इस क्वेश्चन का विकल्प भी सही है। दसवां क्वेश्चन, हाल ही में स्पेन में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है?
पहला विकल्प संजय वर्मा, दूसरा विकल्प रन जेटली, तीसरा विकल्प आसिफा अली, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। स्पेन में भारत का राजदूत संजय वर्मा को नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का विकल्प ए सही है।